हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस चैप्टर 10 रिप्लेशन रिजेक्शन। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि यू को कब नेगेटिव लेना है, वी को कब नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, एफ को कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो मैंने तुमको एक्सप्लेन करा था साइन कन्वेंशन, जो कि तुमको क्लियर हो चुका होगा अभी तक। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तो जस्ट तुमको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन वगैरह करना नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला होता है मिरर के लिए। इसमें f क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोकस, v क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजिशन ऑफ इमेज, और u क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे बेस्ड तुम्हारे न्यूमेरिकल एग्जाम में आना, मतलब आना ही कंफर्म है कि आएगा। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल जो पोर्शन बनता है चैप्टर से ज़्यादा बनता है, थ्योरेटिकल पोर्शन ठीक है एक बनता है, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन में एज ऑब्जेक्टिव पर्पज में भी छोटी मोटी डिजिट दे के न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है जिसको हमको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हम न्यूमेरिकल देखेंगे। सपोज एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज लाइंग 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। देखो कौन सा मिरर यूज हो रहा है वो भी तुमको देखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल तुम यूज़ कर रहे हो, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन यूज़ करने के लिए कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हो ये तुमको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 10 सेंटीमीटर लाइंग 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। ये तुमको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लो। सबसे पहले हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। देन 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मतलब यू की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 50 सेंटीमीटर। देन हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, क्या कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है। अब आ जाओ साइन कन्वेंशन। देखो यहाँ पर हम ओनली मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करा अभी तक। तो अब हमको फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज़ करना है। तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ये होगा पोल। अब रेडियस करो, मतलब ये क्या होगा, आर मान सकते हो, सॉरी सेंटर परिचर मान सकते हो। देन ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है सपोज 50 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू गिवन है तुमको ये, ठीक है। और ये आर की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, वी कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉनकेव मिरर के केस में मैंने बताया था साइन कन्वेंशन, जो डी वैल्यू गिवन है कि अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू है तो उसको नेगेटिव और राइट साइड की वैल्यू उसको पॉजिटिव। तो आर क्या रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव, तो आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ -10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ -50 सेंटीमीटर। ओके, वी की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। ओके, और हाइट, हाइट की मैं बात करूं तो हाइट के प्रिंसिपल एक्सिस से अबो, मतलब पॉजिटिव केस लेना है। तो हाइट अगर मैं 10 सेंटीमीटर लूँगा तो ये क्या लूँगा, पॉजिटिव लेता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको मैं पॉजिटिव लेके चलूँगा। अब वी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हाइट का कोई यूज़ भी नहीं होगा। ओके, ओनली गिवन है। एक और नया फॉर्मूला मैं बताऊँगा तुम नेक्स्ट वीडियो में कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो उसमें तुम्हारा हाइट का यूज़ होगा। ओके, अब वी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f = 1/v + 1/u। अब तुमको रिक्वायरमेंट क्या है, यू की रिक्वायरमेंट भी तो कैलकुलेट करना और एफ की रिक्वायरमेंट। अब एफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ पे आर गिवन है। एक रिलेशन मैंने बताया था तुमको, एफ इक्वल टू क्या होता है,
आर बाई टू होता है, आर कितना क्यों माइनस टेन बाई टू, तो कितना हो जाएगा एफ माइनस फाइव। तो वैल्यू पुट करो, वन अपॉन माइनस फाइव इक्वल टू वन, वी कैलकुलेट करना है प्लस यू की वैल्यू कितनी है माइनस फिफ्टी। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो वन अपॉन माइनस फाइव इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाय फिफ्टी। अब वी कैलकुलेट करना है, वी को मैं इधर रखूँ उधर भेज देता हूँ, वन बाई फिफ्टी को कितना हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव, प्लस का हो जाएगा प्लस वन बाय फिफ्टी इक्वल टू वन बाय वी, क्या आएगा एलसीएम फिफ्टी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन प्लस वन इक्वल टू वन बाय वी, माइनस टेन प्लस में कितना होगा माइनस नाइन, फिफ्टी इक्वल टू वन बाई वी। तो वीक वैल्यू कितनी, वी इक्वल टू हो जाएगा इन्वर्स कर दो इसको, क्योंकि इन्वर्स वैल्यू आएगी तो इसको मैं वीक वैल्यू चाहिए, तो कितना देखो वी इक्वल टू माइनस फिफ्टी बाई नाइन, जो कि क्या आएगी नेगेटिव, मतलब बोल रहा है नेगेटिव मतलब क्या है, तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा लेफ्ट साइड में बनेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला तुमको अप्लाई करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले अगर मैंने तुमको साइन कन्वेंशन एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, तो उसको सबसे पहले उस वीडियो को देखो एक बार और, उसको की डिवीजन करके जस्ट ये न्यूमेरिकल सोल्व करो, तो आराम से इजीली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।